दोस्तों इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से अभिनेता हैं जो काफ़ी छोटे कद के, और ऐसे ही अभिनेता हैं शफीक नेतिया, जिन्होंने अपनी कमजोरी को कमजोरी ना समझ के अपनी ताकत बना ली। ये आज यूट्यूब के जाने माने यूट्यूबर हैं जो अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। आज इनके यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनके बारे में तो आप जानते हैं, पर क्या इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इनके पति के बारे में जानना चाहते तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। साथ ही यूट्यूब के इस दिग्गज कलाकार के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब पे मिलियन लाइक पाने वाले छोटू दादा का नाम, असली नाम शफीक नेतिया है। इनकी कम हाइट की वजह से ये छोटू दादा के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 25 नवंबर 1991 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से की थी, लेकिन अपनी कम हाइट की वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, जिसकी वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन ये अपनी लाइफ में आगे कुछ करना चाहते थे और इनकी कम हाइट इनके कामयाबी के बीच आ रही थी। तो दोस्तों इसका कारण इनकी हाइट नहीं बल्कि इनकी सामाजिक सोच थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप में जज्बा है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। शफीक ने 2017 में अपना यूट्यूब चैनल खोला और अपने कॉमेडी वीडियोज़ बना के अपलोड करने लगा। फिर क्या था, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने लगा और वो जाने माने हस्ती बन गए। कॉमेडी करने में ये नंबर वन आते हैं। इनके चैनल पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। इनकी अपनी छोटी हाइट को कमजोरी ना समझा बल्कि अपनी ताकत बना ली, इसी वजह से ये आज इतने ज़्यादा फेमस हैं। अगर बात करें इनकी निजी जीवन के बारे में तो इन्होंने हाल ही में शादी की। इनका पारिवारिक जीवन बहुत खुशहाल है। बता दें कि इन्होंने अपनी एक ही हाइट की लड़की से शादी की है जो कि बहुत ही सुंदर है, जैसा कि आप इनकी तस्वीर में देख सकते हैं। आपको बता दें कि अब इन्हें बॉलीवुड से फिल्मों का ऑफर आने लगा है। इनके साथ इनका मानना है कि आगे चल के एक सफल अभिनेता जरूर बनेंगे। आपको छोटू दादा की पत्नी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें भी बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।